आगे भी देखिए, अगर कोई भूल चुक होगी तो उसकी माफी मैं आपसे अभी से मांग लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी इज्जत में, फुल इज्जत मिलेगी आपको। अब्दुल देख लेना, आप चिंता मत करो। मुझे लगता है ये काम करेगा ठीक से, तो एक बार और बोल के आता हूँ। नहीं नहीं, बस अभी बोल दिया ना तुमने, बहुत चलो अब्दुल संभाल लेना। सामान भी तो थोड़ा तो हिंट दीजिए मेरे स्पेशल एंट्री के बारे में। नो मींस नो, आपको आज रात तक वेट करना ही पड़ेगा। अच्छा भिड़े, यहाँ पर भी डेकोरेशन होगा ना? ऑफ कोर्स होने वाला है पोपन भाई, यहाँ पर और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में डेकोरेशन के साथ लाइटिंग भी होने वाली है। वाह, मेरी बालकनी में स्पेशल डेकोरेशन करवाइएगा। ओके डन। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मेन क्या है, डेकोरेशन का काम शुरू हो गया ना तो मेरे सर से टेंशन निकल गया। हाँ। भिड़े, केटरिंग का क्या? वो जिम्मेदारी हाथी भाई ने ली थी तो उनको ही पूछो। हाथी भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो पोपटर को आपसे कुछ पूछता है, जरा ऊपर आएंगे। मैं सॉरी, हम लोग ही आते नीचे। हाथी भाई। हाँ हाँ। आज रात के फंक्शन के खाने के लिए आपकी किसी डेकोरेटर से बात हुई? अरे मेरा मतलब है केटरर से बात हुई है? पोपटलाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, खाने की सारी तैयारियां हो चुकी है। बेस्ट केटरर और सुपर मेनू फाइनल कर दिया है। हो गए तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर? क्या पोपटलाल को हम पे डाउट्स है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो सारी बातें मुझसे पूछ रहा था तो मैंने बोला कि मैं मुकदम थोड़ी हूँ भाई, हाथी भाई को ही पूछ रहा हूँ। छोड़े ना हाथी भाई, ये बताइए ना मेन्यू में क्या रखा है, मेक्सिकन चाइनीज इंडियन क्या क्या है? सब पता चल जाएगा सगाई के टाइम पे। पोपटलाल तुम्हें हमारी चॉइस पे भरोसा नहीं है? नहीं, पूरा भरोसा है भाई, खाने के शौकीन डॉक्टर हाथी फैमिली पर पूरा भरोसा है। पोपट भाई अब आप घर पे जाके आराम से रेस्ट कीजिए, ब्यूटी स्लीप लीजिए, आपको रात को फ्रेश लगना है। हाँ मैं क्या कहती हूँ, दोपहर को हम ब्यूटी पार्लर जाने वाले हैं तो पोपटलाल भाई को साथ लेके चलते हैं। Oh my God, that's such a brilliant idea! ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद तो पोपट भाई लड़की से भी ज्यादा प्रिटी प्रिटी लगने वाले हैं। रोशन भाभी, पोपटलाल को प्रिटी नहीं हैंडसम लगना है। प्रिटी हैंडसम आई मीन भे भाई। नहीं, मैं अपने ब्यूटी पार्लर, मेरा मतलब है मैं घर पर ही रेडी हो जाऊंगा। अच्छा महिला मंडल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो तो जरा समय से वापस आ जाना, 8:30 से 9 बजे तक का ही मुहूर्त है, उसके बाद 1 साल तक मुहूर्त नहीं है सगाई। सही बात है, सगाई उसी दौरान हो जानी चाहिए। नहीं क्या है, आजकल वो पार्लर में ऑफर्स रहते हैं ना कि ये सर्विस लो तो ये सर्विस फ्री, तो उस मोह में मत पड़ जाना। हाँ हाँ भिड़े भाई, और ये बात हम माधवी भाभी को भी बता देंगे। नहीं, आप आ जाएंगे टाइम पे, मुझे मालूम है ना। मैं तो रात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे आप लोग क्या, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आज रात 8:30 बजने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे आज रात दुल्हन की तरह सजने वाली पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है, चारों तरफ बजने वाली खुशियों की शहनाई है, सब झूमेंगे नाचेंगे मौज मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे पोपटलाल भाई की सगाई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से सगाई करने जा रहा हूं, इस बार आपको मेरी शादी की नैया को पार करवाना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मंजिल पर पहुंचने से पहले उसे डूबने मत देना। पता नहीं क्यों इस बार अंदर से ही ऐसा लग रहा है कि आप मेरा भला ही करने वाले हैं, जो करोगे अच्छा ही करोगे। चलिए अब चलता हूं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरी सगाई के लिए सजी है और वहां क्लब हाउस में भी आज बहुत धूम मचने वाली है।
काय सुंदर डेकोरेशन केलंय. वा छान केलंय. माय बेटा बाय. सॉरी सॉरी सॉरी. नहीं डेकोरेशन बहुत अच्छा किया. अच्छा डेकोरेशन. हाँ वो अपने है ना डेकोरेटर सजावट कुमार. सजावट कुमार. सजावट कुमार उन्होंने किया है. अच्छा लड़की वालों के स्वागत की तैयारी मैं करूंगा तो ये देख. वाह वाह सोडी भाई आपने बहुत अच्छा किया. ढोल और शहनाई के साथ मस्त अभी की स्वागत करेंगे तो मजा आएगा. वाह 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 बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है. थैंक यू बहुत अच्छी सजी हो मौरी तुम. हाँ थैंक यू साध्वी भाभी. साध्वी भाभी नहीं बावरी जी माधवी भाभी. सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई. अरे बागा जेठालाल कहाँ है. वो भिड़े भाई हम लोग दरअसल दुकान बढ़ा के निकल ही रहे थे तभी सेठ जी को एक मीटिंग के लिए फोन आ गया तो वो बस मीटिंग खत्म करके आ ही रहे हैं. अरे देवा आज के दिन कोई लेट करता है. तुम्हारे सेठ जी को ना सिर्फ पैसा दिखता है. ओ बागा इसमें हंसने वाली क्या बात थी. क्या हुआ मैंने कोई जोक थोड़ी मारा. नहीं नहीं भिड़े भाई सेठ जी ने भी आप ही की तरह सेम एक्टिंग करके कहा था कि देखना मेरे बारे में भिड़े ऐसा ही बोलेगा. सब सेम बोले. ओ तेरी किसी लिए हम हंस रहे थे. बरोबर ओळखतात ते तुम्हाला. भी चाहिए अपने यार पप्पू की सगाई है. क्या बात है सुपर डेकोरेशन है ना. रोशन भाभी आपने बहुत अच्छा थीम सोचा है. थैंक यू. अच्छा आती भाई आपने केटरिंग की जिम्मेदारी ली है तो सब तैयारी हो गई है ना. अरे मास्टर तुम चिंता मत करो मैंने सारा खाना टेस्ट कर लिया है. टेस्ट कर लिया है और खाने की तैयारियां अच्छे से चल रही है. या वाह सजावट कुमार वाह मजा आ गया. कुछ नहीं हुआ मैं अंदर आ रहा था ये अचानक बजाया तो डर गया. ठीक है ना. ठीक है. हाँ ठीक हो है अभी बजा हुआ. चाचा जी जेठालाल अभी तक नहीं आया है. जेठे अभी तक आया नहीं है. मुझे तो लगा आ गया होगा. बागा बापूजी सेठ जी हमारे साथ ही दुकान बढ़ा के घर आने के लिए निकल रहे थे लेकिन तभी उनको एक मीटिंग के लिए फोन आ गया तो वो मीटिंग खत्म करके बस अभी आते ही होंगे. करता हूँ मैं फोन उसे अभी. नहीं नहीं मास्टर तू फोन मत कर मुझे देखना है वो कब आता है.
रहने दीजिए, वो आ जाएंगे कीड़े जी। कीड़े जी नहीं, भीड़े जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे जय डलाल का छोड़ो, जिद का सगाई है वो किधर है? हाँ खरोस पोपट भाव जी कहाँ रह गए? मैं तो सब अंजलि अभी तैयार कर रहे हैं ना, उससे आते ही होंगे। आएंगे आएंगे। बादब बामुलाइजा होशियार, पेश है हमारे पत्रकार पोपटलाल। वाह क्या सजाया है डिब्बे को। वाह चौपट भाई, अब बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे बावरी जी। अरे सोके बागा। थैंक यू बावरी। आज ताले लगा सगळे। वाह पोपट भाई, द ग्रूम टू बी लुकिंग नाइस। थैंक यू नटू काका। पोपट लाल भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू कमल भाभी। पोपट भाई गना सज्जा लागत। थैंक यू रोशन भाभी। टॉप क्लास पोपट भाई, यू लुक सो चार्मिंग। डिब्बे को क्या सजाया है? आप सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेहता साहब और अंजलि भाभी ने मेरे कपड़े सिलेक्ट किए इसलिए इनको थैंक यू, और मेहता साहब को एक और स्पेशल थैंक यू छुट्टी के लिए कि इन्होंने अपने दो सर वाले बॉस से खास मेरे लिए आज छुट्टी ली। पोपट लाल तुम्हारी सगाई है, छुट्टी तो बनती है। सही बात है, हम सब लड़के वाले तो आ गए, अब जल्दी से लड़की वाले आ जाए तो मैं स्टार्टर शुरू करवाऊं। हंस? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सगाई शुरू करवाऊं। बराबर है बराबर है। अरे मेरी प्यारी बहनों, अब तो बताइए कि मेरी स्पेशल एंट्री का आप लोगों ने क्या सोचा है? हाँ बताइए ना अंजलि भाभी, रोशन भाभी, सुबह से सरप्राइज बना के रखा है आपने। बताती हूँ बताती हूँ, वहां देखिए। दिल के अंदर रहेंगे और जब लड़की वाले आएंगे तो आप इस दिल से एंट्री करेंगे। ओह वाओ, इस दिल से निकलकर सीधा मधुबाला के दिल में एंट्री। वाह पोपटलाल वाह, सच में ये हार्ट के आइडिया हो गया। ओए पप्पू, वो सुना था तेरा दिल वड्डा है, और इतना वड्डा दिल, वो तेरी एंट्री तो सुपर हिट है, सुपर हिट। थैंक यू अंजलि भाभी, रोशन भाभी, जबरदस्त एंट्री सोची आप लोगों ने। थैंक यू। हाँ, वो तो आइडिया है। पोपट भाई, लड़की वालों के आने से पहले ना आप इस दिल के पीछे चले जाना, ओके? अरे पर जाऊं कैसे?
यहाँ से जाऊंगा तो दिल की सेटिंग बिगड़ जाएगी। पोपट भाई आपको यहाँ से नहीं, आपको पीछे वाले दरवाजे से जाना है। पोपट लाल तुम कमिटी मेंबर होके भूल गए भाई, अपने क्लब हाउस के दो डोर है ना, एक तो ये मेन डोर और जो दूसरा डोर हम लोग बंद रखते हैं जो स्टोर रूम होके जाता है। याद आया, याद आया। तो अब आपको पीछे के डोर से स्टोर रूम में जाके इंतजार करना है और फिर इस दिल से होकर एंट्री करनी है। वाह! लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कब एंट्री करनी है? वो भी सोचा है हमने। क्या क्या? पोपट भाई जब हम जोर जोर से तालियां बजाकर आपका नाम बोलेंगे ना, तब ऐसे पोपट भाई, 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 पोपट भाई। और इसके बाद आपको एंट्री करनी है। समझ गया, समझ गया। और हाँ हाँ पोपट भाई, इसे तुरंत मत आ जाना, थोड़े टाइम के बाद एकदम ऐसे स्टाइल से एंट्री करना। देखना लड़की वाले कैसे दंग रह जाते। हाँ हाँ क्यों नहीं, थैंक यू थैंक यू। और एंट्री करते मैंने मधुबाला जी के लिए जो स्पेशल गिफ्ट लिए है ना वो उन्हें दे दूंगा, ये। मौरी जी अपनी शादी के वक्त मैं भी ऐसे ही एंट्री करूंगा। वाह बागेश्वर जी, लेकिन मुझे भी बुलाएंगे ना अपनी शादी में? बहुरी जी मैं तो मजाक कर रही थी, अगर नहीं नहीं रहूंगी तो शादी किससे करेंगी? चलो अपनी तरफ से सारी तैयारी हो गई, बस अभी लड़की वाले आ जाए। लेकिन मैं यहाँ हूँ, जेठे अभी तक आया नहीं है तो लड़की वालों का स्वागत कौन करेगा? अरे हाँ। वो मेरी पांडे जी से बात हो गई है चाचा जी, मैंने उनको बोल दिया कि आप जैसे ही पाउडर के इलाके पे पहुंचे मुझे फोन कर देना। लेकिन पांडे जी फोन करना भूल गए तो? तू एक काम करना, तू ही पांडे जी को फोन लगा, पूछ ले। अच्छा ठीक। वो फोन उठा नहीं रहे चाचा जी। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लगा और फोन स्पीकर पर रखा। हेलो हेलो चालू पांडे जी। अरे चालू पांडे जी की धर्म पत्नी बोल रहे हैं, आपकी बासुंदी भाभी। नमस्ते बासुंदी भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। चालू जी कहाँ है? अरे हमारे बगल में ही बैठे हैं, वो क्या है ना गाड़ी चला रहे हैं इसलिए हम आपसे बतिया रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये जानने के लिए फोन किया था कि आप कब तक पहुँचेंगे? बस 2 मिनट समझ लीजिए, पाउडर गली पहुँच गए हैं। अरे वाह ठीक है, फिर हम लोग आपका स्वागत करने के लिए नीचे आ रहे हैं। अरे नहीं 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 उसकी कोई जरूरत नहीं है, बारिश का टाइम है, रहने दीजिए हम आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, स्वागत तो करना पड़ेगा ना। अरे हम कह रहे हैं ना, बात मानिए, परेशान मत होइए, हम लोग आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आपको पता है ना कहाँ आना है? हाँ पता है, क्लब हाउस में आना है मास्टर जी। चलिए ठीक है हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है आ जाइए आ जाइए। चलो चलो मैं जल्दी वेलकम ड्रिंक और स्टार्टर की तैयारियां शुरू करता हूँ। हाँ हाँ काउंटर शुरू करना, तुम शुरू मत हो जाना। कॉमन कोमल। हाँ आते भाई जल्दी जल्दी। वाह 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 वाह, आइए बैठिए। पोपट भाई ऐसी एंट्री करना कि सब हिल जाए। अरे देखना अब्दुल सबकी दुनिया हिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे अब्दुल, अरे भाई वहां तो दिल है। सॉरी सॉरी।
इस दिल से निकल कर सीधा मधु बालाजी के दिल में एंट्री होगी मेरी। सबके हाथ में फूल आ गए, जैसे ही लड़की वाले आएंगे उन पे फूल बरसाने हैं। अब्दुल, ऑल सेट, ऑल सेट। अच्छा अब्दुल, ये फूल लो, जैसे ही लड़की वाले आएंगे। समझ गया। आइए। अभी आवाज आएगी, पोपट भाई। मैं तो अभी देखना लड़की वाले आ जाएंगे, लेकिन जय डलाल नहीं आएगा। मेहता साहब, अभी आप ही आपके परम मित्र को फोन करो, मैं करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जेठा को फोन करने की जरूरत नहीं है। और ले भाई, अभी जेठा को छोड़, अभी लड़की वाले आ रहे हैं, उनके स्वागत पे ध्यान दे। नमस्ते। नमस्ते। लग रही है ना जी? ना, क्या स्वागत किया है आप लोग हमारा। इतने कम टाइम में कितना अच्छा सजावट कर दिए हैं आप लोग। क्यों पांडे जी? और और। रहने दीजिए, जब बोलना होता है तब नहीं बोलते हैं आप। आइए आइए, स्वागत है आपका। वेलकम भालू जी। आलू जी, बावरी जी, चालू जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये आदत इनको बचपन से है या फिर? नहीं नहीं, जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से। इस आदत में सुधार करवाइए, वरना एक दिन आपको ये बाघा से काघा कहेगी। नहीं, तब आप कहेंगे कि गलती से मिस्टेक हो गई। बाघा जी, बापू जी, बावरी जी, पांडे जी, पूछो तो सही, पोपट लाल जी किधर है? भैया रहने दीजिए, हम खुद ही पूछ लेते हैं। अरे भाई, हमारे होने वाले दामाद जी किधर है? बासुंदी जी, होने वाला दूल्हा इतनी आसानी से थोड़ी दिखेगा। तो कैसा दिखेगा? उनकी स्पेशल एंट्री होगी। यस, हाँ। स्पेशल एंट्री? अरे ऐसी एंट्री होगी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी? ऐसा क्या करने वाले हो भाई आप लोग? मतलब आप देखते रहिए कैसे दंग रह जाएंगे आप। हाँ ठीक है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ। पांडे जी, कहे आप यहाँ पुलिसगिरी कर रहे हैं? कह रहे हैं तो देख लीजिए, मान लेते हैं। ठीक है। जजमान मुहूर्त का समय शुरू होने वाला है, होने वाले दूल्हे को जल्दी बुलाइए, सगाई का मुहूर्त शुरू करें। अरे भाई, अब तो स्पेशल एंट्री कराइए हमारे होने वाले दामाद जी की। क्यों बढ़िया, कराते, इधर आइए। आइए
है हमारे टू टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल का। अब देखना क्या मस्त एंट्री मारेंगे हमारे पोपट भाई। अरे वाह पांडे जी, देखे तो सही, अरे अपने पोपट लाल जी के लिए क्या बढ़िया एंट्री खोजे है। किसका फोन? फोन नहीं, मैं वीडियो दे रहा हूँ। वीडियो? अच्छा। मास्टर जी, ये पोपटलाल कब निकलेगा? आई आई। लगता है पोपू मतलब पोपटलाल को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हैं? हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। ये दिल के दोनों बाजू है ना, छोटा छोटा बाकोरा करना चाहिए। बाकोरा मतलब? अरे वो होता है ना, वो जिसमें से हवा जाती है। हाँ, भोक भोक भोक। वेंटिलेशन। मतलब वही होल होल होल। हाँ हाँ वही वेंटी तो उसको सुना ही देता। तो जोर से बोलते हैं ना। चलो चलो और एक बार। भाई इस बार जरा जोर से ताली बजाते हैं। पोपट भाई, 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 पोपट भाई। पोपट भाई पांडे जी इधर आइए। अरे ओ भाई, कब आएगा ये पोपट लाल? ताली पीटते पीटते हमारे हाथ लाल पीले हो गए। अरे हो सकता है इंतजार करते करते पोपटलाल की आंख लग गई हो। ये अभी आंख लड़ाने का टाइम है, आंख कहाँ लग गई उसकी। ओ मास्टर जी, पक्का पोपटलाल यहीं से एंट्री करने वाले थे ना? या कहीं और से एंट्रेंस भी है? नहीं नहीं, यहीं से एंट्री करने वाला था, मतलब करने वाला है पोपटलाल। तो फिर वो एंट्री कर क्यों नहीं रहे हैं? अब्दुल, तुम पोपटलाल को बराबर से छोड़ के आए थे ना? हाँ, बराबर छोड़ कर आया था। तो फिर वो आ क्यों नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं देख के आता हूँ। चल पीड़ू, मैं भी चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। पांडे जी, आप भी जाकर देखिए ना। ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, तुम लोग अकेले उसे नहीं ढूंढोगे, मैं भी आ रहा हूँ। आइए आइए, इस तरफ पांडे जी। अरे हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गए हैं पोपटलाल जी। चाचा जी, ये पोपटलाल कहीं फंसा तो नहीं गया? ये दिल में अंदर जगह एकदम छोटी है। नहीं, मेरे को क्या मालूम। मुझे भी कैसे मालूम पड़ेगा यार, आ जाएगा आ जाएगा। साढ़े आठ का मुहूर्त है। अरे अब्दुल, ये
आइए पोपटलाल, पोपटलाल पांडे जी, पांडे जी ऐसे नहीं, एक एक मिनट, वन टू थ्री, पोपट भाई मास्टर जी इसे डिसाइड हुआ था इसलिए पोपटलाल को यहीं छोड़ा था। हाँ गॉट इट पोपटलाल। जूते पहन के सोफे पे, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात वो साफ हो जाएगा। पर देखो पवनलाल, कहीं वो बाथरूम में तो नहीं छुपा है? अरे बाथरूम नहीं है पांडे जी। फिर ये रास्ता कहाँ जाता है? दिल में। दिल में? अरे वो जो बाहर स्टेज की तरफ दिल बनाया ना, उसमें जाने का यहाँ से रास्ता। ओ। फॉलो मी। पांडे जी। पांडे जी। आप कहाँ निकले दिल में से? आप कोई दूल्हा थोड़े हैं? मिले पोपटलाल जी? नहीं। अरे आप हो? पोपटलाल किधर गया? अरे पता नहीं, हम लोग यहाँ से गए और स्टोर रूम के रास्ते से होके यहाँ से आ गए। पोपटलाल कहीं नहीं दिखा। ये पोपटलाल कहाँ चला गया? नहीं नहीं, गया समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब, गया तो था। अब्दुल शांत हो जाइए। एक मिनट मिनट लालू जी, मैं ना फोन करता हूँ पोपटलाल को, पता चल जाएगा कहाँ है वो। हाँ। आपके फोन स्विच ऑफ आ रहा है पोपटलाल का। क्या बोला था मास्टर जी कि पोपटलाल की एंट्री देखकर सब दंग रह जाएंगे। पांडे जी, हो सकता है पोपटलाल को कोई अर्जेंट काम आ गया हो। हाँ, हमारा पोपटलाल तो पत्रकार है, कब अर्जेंट काम आ जाए ये तो कोई कह नहीं सकता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बहन जी, अगर ऐसा होता तो वो किसी को तो बोलकर जाता ना। और नहीं तो कहा, अरे अपना फुलवा स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें तो दाल में कचू काला लग रहा है। नहीं नहीं, सही कहा था उपासंती, हम आओ के कुछ दाल में काला लगा था। पहले पोपटलाल गायब होता है, फिर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। पाटिल, पांडे जी, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, गोकुलधाम सोसाइटी का क्लब हाउस है। जानता हूं मास्टर जी, लेकिन अब यहाँ सेलिब्रेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। हमने तो घाव में भी बता दिया, आज अच्छा मुहूर्त, आज मधुबाला बिटिया की हम सगाई कर रहे, बड़ा फंक्शन रखे हम अगले हफ्ते गांव में, क्या बताइए सबको, क्या मुंह दिखाइए बताइए। हाँ चला गया ये। अरे कहाँ लड़का ढूंढा रे?
पांडा जी बोलिए ना भाई, जो आप अपने स्टेशन में बोलते रहते हैं स्टेशन में। हम एक चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अब करिए ना यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन। वही 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 बोलने वाला था बासुंदी, वही बोलने वाला था। अच्छी तरह तुम लोग जानते हो कि हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बताओ पोपटलाल कहाँ है? हमें नहीं पता पांडे जी, सच में नहीं पता। नहीं पता, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम लोग को अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, उतर उतर उतर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि पोपट लाल कहाँ है? सबके मिली भगत है पोपट लाल के गायब होने में। जेठाला, जेठालाल कहाँ है? ओ चाचा जी, आपका सुपुत्र कहाँ है? जेठे अभी दुकान से आ ही रहा होगा। हाँ। वो नहीं आएगा। हाँ? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ पोपट लाल के गायब होने में उसी का हाथ है। हाँ, गल कर रहे हो? अच्छे, इस बार लड़की तैयार है तो पोपट भाई गायब है। अब आंखों आंखों में डिस्कशन बंद करो और जेठालाल को फोन लगाओ। मैं लगाता हूँ फोन। जेठालाल ने फोन काट दिया। हाँ काट दिया भिड़े, क्योंकि काट दिया क्योंकि मैं आ गया, इसलिए सॉरी आने में देरी हो गई, इसलिए सॉरी सबको सॉरी बापू जी सॉरी। क्या सॉरी जेठिया, दो बार तूने मुझे बोला था। बाबूजी चिंता मत कीजिए, मैं लेट नहीं होऊंगा। बाबूजी चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बाबूजी यहाँ टाइम पे पहुंचने के लिए आज हमने दुकान भी जल्दी बढ़ा ली, पूछे नटू काका बागा से। और दुकान बढ़ा के हम लोग निकल ही रहे थे कि मुझे एक व्यापारी का मीटिंग के लिए फोन आ गया। तो मैंने उनको बोला भी कि भाई आज रहने देते, मीटिंग कल करते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कल तो मैं नहीं रहूंगा। नहीं मतलब वो कल सुबह 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर गाँव जा रहे थे, तो फिर अर्जेंट मुझे मीटिंग करने के लिए जाना पड़ा। और मीटिंग भी मैंने फटाफट बता ली बाबूजी। और मीटिंग खत्म करके जैसे मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ? क्या? बाहर रस्ते पे बारिश की वजह से पानी भर गया था। अभी वो पानी में से मैं गोकुलधाम सोसाइटी तक कैसे पहुंचाऊं मेरा तन ही जानता है बाबूजी। जेठालाल मेरा मन ही जानता है ऐसा बोलते हैं। अरे मन का क्या है भाई, वो तो अंदर पड़ा है। पानी में से तपलिक सान करके तो तन ही आया ना। मैं जो बोला हूँ बराबर है भाई, मेरा तन ही जानता है। फिर भी मुझे आने में लेट हो गया, उसके लिए आप सबको तहे दिल से सॉरी कहता हूँ, खास करके पोपटलाल को सॉरी कहता हूँ। पोपटलाल कहाँ है? जेठालाल ये तुम बताओगे कि पोपटलाल कहाँ है? मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, ए जेठालाल मेरे सामने एक्टिंग मत करना। मुझे पूरा यकीन है कि पोपटलाल को छुपाने में तुम्हारा और गोकुलधाम वालों का हाथ है। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं पांडे जी? पोपटलाल को तुमने और गोकुलधाम वालों ने मिलकर छुपाया है। छुपाया? हाँ छुपाया है। हाँ पोपटलाल गायब है। अरे पोपटलाल कैसे गायब हो सकता है, उसी की तो आज सगाई है। हाँ फिर भी गायब है। गायब है मतलब वो क्या यहाँ आया ही नहीं? नहीं नहीं जेठा जी, पोपट भाई यहाँ पे आए थे। क्या कह रही हैं? कब आए?
हम तो नहीं देखे, आए थे फिर वापस गए दोबारा यहाँ आने के लिए। मैं बताती हूँ, दरअसल बात यह कि पहले हमने सगाई की सारी तैयारी कर ली, फिर मेहता साहब और अंजलि भाभी पोपट भाई को तैयार करके यहाँ पे लेके आए। और फिर पोपट भाई इस दिल से बाहर ही नहीं आए। पर तो किसी ने स्टोरूम में जाकर देखा क्या नहीं, कहीं वो सगाई के खुशे के मारे बेहोश ना हो गया हो। देखा जेठालाल, लेकिन पोपड़लाल वहां पे नहीं है। पोपड़लाल मिला नहीं और जेठालाल तुम यहाँ पर थे नहीं, इसलिए पांडे जी को लगा कि पोपड़लाल को तुमने छुपाया है। अरे चालू पांडे जी, अगर मैंने पोपड़लाल को छुपाया होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। यही जताने कि तुमने पोपटलाल को नहीं छुपाया। चालू जी पांडे जी, हम सब गोकुलधाम वाले बरसों से रोज भगवान को प्रार्थना करते कि पोपटलाल की जल्द से जल्द शादी हो जाए। अभी आज भगवान की कृपा से इतनी अच्छी सुशील सुकन्या मिली है, इतना सशक्त परिवार मिला है, और हम पोपटलाल को छुपा देंगे। बंद करो तुम लोगों का ये नाटक। सच सच बताओ, कहाँ छुपा कर रखा है पोपटलाल को, बताओ। अरे हमने नहीं छुपाया है। अगर तुम लोगों ने पोपटलाल को नहीं छुपाया है तो इसका मतलब यह है कि पोपटलाल अपनी सगाई से खुद भाग गया। भागी वो क्यों भागेगा। चलो अगर सचमुच पोपटलाल हमारी बिटिया को छोड़कर भाग गया है ना, तो हम उसको ना। चिंता मत करो लालू भैया, मैं पोपटलाल को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बस एक बार पोपटलाल हमारे हाथ में लग जाए ना, हमारे बिटिया का दिल तोड़ा है ना वो, हम उसकी हड्डियां तोड़ेंगे। बाप रे, लालू जी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, और वो अगर कहीं गया भी होगा तो सगाई के लिए कहीं से भी आ जाएगा। हाँ, आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ, इतना आक्रामक मत सोचिए। हाँ, एक काम करता हूँ ना, हम लोग जाके पोपटलाल को ढूंढ के आते हैं। मास्टर जी रुक जाओ, ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, लेकिन जो भाग जाए उसे पकड़ा जाता है। पोपटलाल को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। हेलो भैया, ये मुंबई पुलिस का वादा है। पांडे जी छोड़ेगा नहीं पोपटलाल जी को। अरे हमार मधु बिटिया का दिल तोड़ा है उन्होंने, लगाइए भलुआ। पोपट भौजी कुठे आहात तुम्ही? यस सर। पटेल तुम जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचो। क्या बात है सर, सगाई की पार्टी में? ठीक है, अभी रेडी होके आता हूँ। ए पाटिल, मैं तुम्हें सगाई का न्योता नहीं दे रहा हूँ, तो ऑफिशियल काम के लिए बुला रहा हूँ। जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचो, और हाँ साथ में एक रस्सी का गट्ठा भी लेकर आना। रस्सी? लेकिन सर सगाई में तो रिंग देते हैं ना, रस्सी का आप क्या करेंगे? ए पाटिल, जितना बोला उतना करो ना, इतना सवाल क्यों पूछता है? अगर पुलिस स्टेशन में रस्सी का गट्ठा ना मिले तो किराने की दुकान से ले लेना। उनको बोलना पेमेंट की चिंता ना करे, मुंबई पुलिस पर भरोसा रखे।
हाँ पाटिल, आते वक्त वो बड़ी वाली पुलिस की वैन लेकर आना और 2-3 लेडीज कांस्टेबल को भी साथ में लेकर आना। जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचोगे तुम? गॉट इट? जी सर, अभी पहुंचता हूँ। कमाल है, सगाई में क्या वहां पे भी क्राइम हो गया? पांडे सर पहले ऐसे ऑफिसर हैं जिनके पहुंचने पर क्राइम होता है। चल भाई निकल, चल जल्दी। चलो पांडे जी, एक बात पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है? नहीं नहीं जाने दो, कुछ नहीं। ए, क्या जाने दो, अरे पूछ। अपने लस्सी क्यों मंगाई? लस्सी? लस्सी नहीं, रस्सी मंगाई है, रस्सी। तो रस्सी भी क्यों मंगाई? तुम सबको बांध कर सामूहिक गिरफ्तारी करने के लिए। क्या बात की? यो, अरे हमने क्या किया है? पांडे जी आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं हमें? बिल्कुल कर सकता हूँ गिरफ्तार। पोपटलाल शादी के लिए एक सुकन्या से मिलता है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, दोनों की कुंडियां भी मिल जाती हैं, लेकिन सगाई के दिन पोपटलाल सगाई छोड़कर भाग जाता है और इस गुनाह में तुम सब लोगों ने उसका साथ दिया है और इसीलिए मैं तुम सबको गिरफ्तार करूंगा। पूरा दिन डेकोरेशन में बिजी था। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बोला। जब तक पोपटलाल नहीं पकड़ा जाता तुम सब के सब पुलिस लॉकअप में रहोगे। गॉट इट? पांडे जी तुसी बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, हमको अरेस्ट मत करो। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट प्लीज 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 पांडे जी, हम नहीं कर रहे हैं, पांडे जी कोई कुछ नहीं बोलेगा। पांडे सर, सर। अरे पाटिल वहां कहां जा रहे हो? सर असील है ना? जी सर। ना काफी इन सबको बांधने के लिए और वैन भी आ गई। गुड, वेरी गुड, बांध इन सबको। नहीं नहीं, इन सबको। पांडे परिवार थोड़ा बगल हो जाइए। हाँ, अब गुलाबी से लेकर हरे तक सबको बांध दो। सर शुरुआत वहां से करूं या यहां से? इससे इससे शुरू करो। चलो जी, पांडे जी मेरी बात सुनिए। चुप चुप। ए, हाथ क्या ऊपर करता है? हाथ नीचे। हाथ ऊपर करो। अरे अभी तो बोला हाथ नीचे करो। वो सही बोल रहा है, हाथ ऊपर करो मतलब हाथ आगे करो। तो आगे और ऊपर दोनों अलग शब्द। चुप चुप, इसका पहले मुंह बंद कर। पुलिस की भाषा में एक ही होता है, हाथ आगे करो। हाँ, गुड। अब सब लोग देख लो जेठालाल ने जैसा हाथ किया है। अभी पाटिल बारी बारी से तुम लोगों के पास आएगा। 20 कॉपरेटिव, क्विक क्विक क्विक, सबको बांधो। प्लीज पांडे जी, हमने कुछ नहीं अब जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। पांडे जी
पाटिल, इन सबको बांध कर पुलिस वैन में बिठाकर सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाना और पोपटलाल को ढूंढो। सर पोपटलाल को क्यों ढूंढना है? पोपटलाल ने गुनाह किया है। इस कन्या के साथ उसकी आज सगाई होने वाली थी और आज वो सगाई छोड़कर भाग गया। पोपटलाल कब और कहां तक भागोगे? पोपटलाल को पकड़ने के लिए मुझे जमीन और आसमान भी एक करना पड़े ना, वो भी मैं करूंगा। लेकिन पोपटलाल को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं। बताता हूँ पांडे जी, पहले आप इन्हें छोड़ दीजिए और जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। पाटिल, इन सबको छोड़ दो। बंद करो तुम लोगों का थैंक यू। पहले मुझे यह जानना है कि पोपटलाल अपनी सगाई छोड़कर भागा क्यों? बड़ा भागे क्यों? क्योंकि मैं ये सगाई नहीं कर सकता। बोल रहे हो तुम पोपटलाल? कहाँ है पोपटलाल जी? कोई और लड़की पसंद आ गई है कहाँ? ये बात सच है ना? तो तेरी कर नहीं। पोपटलाल जी, क्या अब हम आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे आप बहुत पसंद है। पोपटलाल जी, जब मधुबिडी आपको पसंद है, हाँ कुंडलियां मिल गई हैं, फिर काहे सगाई के लिए मना कर रहे हैं आप? आप क्यों मना कर रहे हो? हाँ पोपट भाई, क्या हुआ है? कहाँ नौटंकी है? पोपटलाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था ना पोपटलाल? ऐसा क्या हुआ है कि तू सगाई करने से मना कर रहा है? बोल। क्योंकि मैंने मना किया है। हाथी भाई? बाहर भाभी। पोपटलाल को सगाई करने से मैंने मना किया है।
क्यों? क्यों? लेकिन आतिफ भाई, पोपटलाल के सगाई के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं? बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि मधुबाला जी को बार बार छींक आ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कल रात को कॉल किया था। हाँ, मधुबाला हमारे सामने आपको फोन किए थे। हाँ, और आपने लैब में से किसी को भेजा था ब्लड टेस्ट करने के लिए। जी, तो दवाई देने से पहले मैंने सोचा कि एक बार उनका ब्लड टेस्ट करा लूं। फिर जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, तब मुझे पता चला कि मधुबाला जी मधुबाला जी 18 साल के नहीं है? नहीं नहीं जीठा भाई, ये वो माइनर नहीं है। मतलब हमारी बिटिया बीमार है? नहीं नहीं, वो बीमार नहीं है, थैलेसेमिया माइनर है। थैलेसेमिया माइनर मुझे क्या है? बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि मधुबाला जी थैलेसेमिया माइनर है, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि कहीं पोपटलाल भी थैलेसेमिया माइनर तो नहीं। पर उसके लिए पोपटलाल का भी ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी था। अब ये बात मैं पोपटलाल को डायरेक्ट बताता तो वो टेंशन में आ जाता, इसलिए मैंने सोचा कि उसका टेस्ट किसी और बहाने करवाऊंगा। इसलिए आज सुबह मैं उसके घर पहुंचा। आइए आइए आतिफ भाई, आइए। क्या बात है, सुबह सुबह आप यहाँ? हाँ पोपटलाल, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, तो इस बड़े दिन की शुरुआत कोई नेक कार्य से करे तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बताइए ना, कैसा देखा? तुम ब्लड डोनेट करो, ये बहुत ही भलाई का काम है। वाह वाह आतिफ भाई, क्या बात कही है आपने। बताइए कब जाना है ब्लड डोनेट करने? अभी चले ब्लड डोनेट करने। चले चले, आओ। फिर मैं पोपटलाल को ब्लड डोनेट करवाने लेके गया। वहां चुपके से मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवा लिया। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जब लड़की वालों का इंतजार कर रहे थे और मैं वेलकम ड्रिंक और स्टार्टर की तैयारियां कर रहा था, तो मुझे एक मैसेज आया जिसमें पोपटलाल का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट था। रिपोर्ट से मुझे पता चला कि पोपटलाल भी थैलेसेमिया माइनर है। रिपोर्ट देखने के बाद मेरा पोपटलाल से बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं क्लब हाउस से बाहर गया और पोपटलाल को कॉल किया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए ना। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता, अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। अरे हाथी भाई, लड़की वाले भी आते ही होंगे, स्पेशल एंट्री करनी है मुझे, अभी कैसे आऊँ? पोपटलाल, बात बहुत अर्जेंट है। हाँ तो फोन पे बता दीजिए ना। मैं सर फोन पे नहीं बता सकता, सगाई के बाद आराम से बात करते हैं ना। पोपटलाल, एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी के अभी मेरे घर आओ। आता हूँ। बताइए हाथी भाई, बात क्या है? पोपटलाल, सबसे पहले तुम अपना फोन स्विच ऑफ करो। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी एंट्री ना करने पर वो लोग तुम्हें बार बार फोन करेंगे। अरे पर पोपटलाल, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। कर दिया स्विच ऑफ। बताइए अब तुम मधुबाला जी से सगाई नहीं कर सकते। सगाई नहीं करूंगा तो शादी कैसे करूंगा? पोपटलाल बात को समझो, तुम और मधुबाला जी आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों? तुम दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स है मेरे पास, उस हिसाब से तुम्हें और मधुबाला जी को शादी नहीं करनी चाहिए। शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्या है मेडिकल रिपोर्ट्स? देखो अच्छी बात है ना, कुंडली भी मिल गई, ब्लड रिपोर्ट भी मिल गए। नहीं लालू भैया, हेलो, वो सब कुछ मैचिंग मैचिंग, वही तो गुड न्यूज हुई ना। तो फिर पोपू की सगाई क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्योंकि ऐसी मेडिकल रिपोर्ट का मिलना गुड न्यूज नहीं है। मतलब ये कि दो थैलेसीमिया माइनर वालों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन ये थैली थैलेसीमिया, हाँ, ये होता क्या है? थैलेसीमिया माइनर में इंसान के खून में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम बनता है। मतलब कि पप्पू और मधुबाला जी बीमार है? नहीं नहीं सूडी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। मतलब कि ये कोई बीमारी नहीं है, समझिए शरीर में एक छोटी सी गड़बड़ है। जिन्हें थैलेसीमिया माइनर होता है उनके शरीर में आम लोगों की तुलना में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम बनता है। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? अंजलि भाभी, ये अचानक नहीं होता, जन्म से ही होता है। से पता तब चलता है जब उसकी जांच करवाओ। हाँ। अरे बपरे, मतलब थैलेसीमिया माइनर वालों को अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। माधवी भाभी, थैलेसीमिया माइनर वाले एकदम हेल्दी होते हैं, वो भी हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अरे अगर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं तो शादी भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, अगर कोई थैलेसीमिया माइनर इंसान किसी नॉर्मल इंसान से शादी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर इंसान एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो 25% चांस है कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। और जिन्हें थैलेसीमिया मेजर होता है उन्हें टाइम टू टाइम नया खून चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है। बच्चों की ग्रोथ ढंग से नहीं होती है,
और उनकी आयु भी बहुत कम होती है। लोग आपस में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है तो उनकी जिंदगी बहुत पीड़ादायक होती है। इसलिए कहते हैं कि दो थैलेसीमिया माइनर वालों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। चनी, आपका मतलब ये है कि एक थैलेसीमिया माइनर किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर सकता है, लेकिन दूसरे थैलेसीमिया माइनर से नहीं? बराबर। आतिब्रा, ये तो चांस वाली बात हुई ना कि बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। सोडी, जब हमें पता है तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों? ये भी करेक्ट है जी। ये सब जानते हुए मैं मेरे और मधुबाला जी के आने वाले कल को खतरे में कैसे डाल सकता हूं? ओ, इसीलिए मैंने सगाई के लिए मना कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मधुबाला जी। अंकल जी, आप जो चाहे वो सजा दे सकते हो मुझे। आप माफी मत मांगो। पोपटलाल जी, आप माफी मत मांगिए। आपने सगाई के लिए मना हम दोनों की भलाई के लिए किया है ना? हो सके तो आप सब भी हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हालात में किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते सब पता चल गया। प्लीज आप लोग दुखी मत होइए, वरना मैं रो पड़ूंगा। पता है, आज मैं जब मंदिर गया था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तब उनसे कहा था कि मुझे यकीन है कि आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। इस बार अंदर से ही ऐसा लग रहा है कि आप मेरा भला ही करने वाले हैं। जो करोगे अच्छा ही करोगे, और देखिए वैसा ही हुआ। अरे नहीं नहीं, हम लोग दुखी नहीं है, हम सब लोग खुश है, खुश है। हाँ अरे हाँ। पोपटलाल जी, एक बात कहे आपसे। हाँ कहिए ना। भाना की हमारी शादी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, पर क्या आप हमारे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? अरे हाँ हाँ, बल्कि मैं भी यही सोच रहा था। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। आज से आप भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वाह। और देखिएगा,
कैसे मैं आपके लिए एक होनहार पत्रकार ढूंढता हूं। तो फिर हम भी आपके लिए एक अच्छी सुशील जीवन साथी ढूंढेंगे। थैंक यू। हमारी दोस्ती की खातिर आपको ये गिफ्ट लेनी ही पड़े। थैंक यू पोपटलाल जी। मोस्ट वेलकम। चलिए आज एक बात तो पता चल गई कि लड़का लड़की को शादी से पहले सिर्फ कुंडलियां नहीं बल्कि ब्लड रिपोर्ट्स भी मिलानी चाहिए। करेक्ट। सही बात है मेहता साहब। भले ही हमारी बिटिया की सगाई टूट गई है लेकिन गांव जाकर हम सबको बताएंगे कि शादी के पहले कुंडली के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट मिलानी चाहिए। चाचा जी मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते अपना फर्ज समझता हूँ कि ये बात समाज के हर इकाई तक पहुंचे। हम हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। और कहेंगे कि शादी से पहले थैलेसेमिया का टेस्ट बहुत जरूरी है। ये बात गांव गांव शहर शहर तक पहुंचनी ही चाहिए क्योंकि अगर गलती से दो थैलेसेमिया माइनर की आपस में शादी हो जाती है तो उसकी सजा उनकी होने वाली संतान को भुगतनी पड़ती है। गुड आइडिया पपड़लाल। और इस बार तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखना। और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चलो शादी का ना सही लेकिन आप लोगों से दिल का रिश्ता जुड़ गया। इस बात की हमें भी बहुत खुशी है। बासुंदी जी आप हमें बहुत अच्छी लगी है। हो सके तो हमारी किटी पार्टी में आते रहना। हाँ। अरे आप लोगों से मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम आते रहेंगे। सॉरी पोपटलाल मैं तुम्हारी शादी का केस सॉल्व नहीं कर पाया। चलिए हम चलते हैं। हाँ जी। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। चाचा जी इस बार भी आपके डिब्बे का डिब्बा गुल हो गया और मैं कुंवारा रह गया। पोपट भाई अब आप आजीवन कुंवारे रहेंगे क्योंकि आपने तो कसम खाई थी ना। ओए मेरी पोली पार्सन वो पप्पू कहीं नहीं जाने वाला तो याद कर वो पप्पू ने क्या कसम खाई थी कि अगर लड़की ने मना किया तो पप्पू आजीवन कुंवारा रहेगा तो सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। कल अगर मधुबाला जी ने शादी के लिए मना किया तो मैं कभी शादी का नाम नहीं लूंगा और ये घर सोसाइटी और शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अभी तो हाथी प्रा ने मना किया है। हाँ। तो कसम की हो गई टाइट है फिस। सही बात है एक डॉक्टर होने के नाते ये रिश्ते को मैं मंजूरी कैसे दे सकता हूँ। पोपट बेटा दिल छोटा मत कर। भगवान ने चाहा तो तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। चाचा जी मैं उदास नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि सब सही चल रहा था। हमारी कुंडलियाँ मिल गई
मन मिल गए, दिल मिल गए और मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल गए, बस वो नहीं मिलने चाहिए थे। कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले का संकेत है, बहुत जल्द वो मेरी शादी कराएंगे। हाँ बिल्कुल। ए पप्पू, ए हुई ना बात, और इस बात पे पांगड़ा हो जाए। अरे टोल वालों, बजाओ टोल तो बढ़ाओ बहुत। थैंक यू भगवान, आज आपने मेरे और मधुबाला जी के भविष्य को बचा लिया। पर अब आगे क्या? हर बार मेरी शादी का रिश्ता फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले यूटर्न मार लेता है। आप मेरी शादी करवाने के मूड में है या नहीं? अगर मेरे भाग्य में आजीवन कुंवारा रहना लिखा है तो बता दीजिए। मैं ये रोज शादी के लिए जो भागा दौड़ी कर रहा हूं ना, वो बंद कर दूं। भगवान, होगा तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। भगवान पर कब? उसके लिए तुम सही समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि मनुष्य को कभी भी समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। हाँ पर भविष्य में शादी कब होगी ये बता देते तो मेरी चिंता दूर हो जाती। भविष्य का सोचोगे तो सदैव चिंताओं में घिरे रहोगे। याद रखो, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन इस क्षण में है। इसीलिए भविष्य की चिंता को छोड़ो और इस क्षण को खुशी से जियो और बस अपना कर्म करो। कर्म के अनुसार सही समय पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान, अब आपकी गारंटी मिल गई है, इसका मतलब है बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। कल फिर से कर्म करना शुरू कर देता हूँ और सुकन्या ढूंढना शुरू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।